वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल edugate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब जो समस्या में आ रही है वो अभी बच्चे दुविधा में हैं। एडमिशन फीस अगर भर दी जाएगी तो कॉलेज कब तक छोड़ सकते हैं और फीस रिफंड होगी या नहीं होगी, क्या है उसके बारे में डिटेल वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद ये वीडियो बनाई। मेरी एक पहले भी वीडियो पिछले साल के फोल्डर्स में पड़ी है, आप उसको भी देख सकते हैं। फीस की जो कट ऑफ डेट है वो DHE ही तय करेगा और एक डेट दी जाएगी जिसके आधार पर आप फीस उसके टाइम स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर आप फीस अपनी सीट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। कितना और कैसे, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले, सबसे पहले फीस की कंप्लीट डिटेल्स मैं शेयर करने जा रहा हूं, तो स्क्रीन के ऊपर भी कोशिश करूंगा मैं आपको बता दूं और ये आपने नोट कर लेनी, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है। पूरे 6 सेमेस्टर्स की फीस है हमारी UG कोर्सेज की बात कर रहा हूं। इसमें सेंट्रलाइज और नॉन सेंट्रलाइज दोनों हैं, क्योंकि कल आपको सेंट्रलाइज की भी पे करनी है, नॉन सेंट्रलाइज की भी फीस पे करनी है। तो कितनी है फीस, अपनी अपनी फीस लिख लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, कॉपी पेन उठाकर, जिससे कि आपको फायदा रहे। उसके बाद लास्ट में हम चर्चा करेंगे रिफंड। BA की फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है 9,011 रुपये है और सेकेंड सेमेस्टर की जो फीस है 8,535 रुपये है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अगर हैं, जैसे कि म्यूज़िक होता है, अन्य जैसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो पर सब्जेक्ट 780 रुपये अतिरिक्त है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फी सभी में कॉमन है 1,000 रुपये। BA IT की जो फीस है, जो बच्चे IT में एडमिशन लेना चाहते हैं जिनका नाम IT में आया है, 13,671। ये बिल्कुल ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस से फीस बता रहा हूँ, इसमें एक भी पैसे का इधर से उधर नहीं हो सकता। और सेकेंड सेमेस्टर है 12,295 रुपये। BBA अगर अलॉट हुआ है, जो कि सेंट्रलाइज एडमिशन है, इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 19,099 रुपये और सेकेंड सेमेस्टर की फीस है 20,185 रुपये। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 21,787 रुपये, 20,185 रुपये। BCOM 11,691 रुपये और सेकेंड सेमेस्टर में 10,315 रुपये। BSc नॉन मेडिकल कंप्यूटर साइंस की फीस है 12,471 रुपये, 11,095 रुपये। BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 14,451 रुपये, 13,075 रुपये। BSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक, इनकी फीस है 15,231 रुपये और सेकेंड सेमेस्टर की लगेगी 13,855 रुपये। BSc मेडिकल की फीस है 13,251 रुपये और सेकेंड सेमेस्टर में लगेगी 11,875 रुपये। BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है 20,631 रुपये, 19,255 रुपये। इसके अलावा आपको बताया एडमिशन फीस जो है 1,000 रुपये है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के 780 रुपये दिए जाएंगे। अब फीस रिफंड का क्या प्रोसेस है, फीस रिफंड आपकी होगी प्रोसेसिंग चार्जेस को काटकर, जो कि 1,000 बताई गई है, लेकिन इसकी एक कट ऑफ डेट्स होंगी जो अभी नहीं आई है। अभी सेकंड काउंसलिंग के बाद अगर वैकेंसी रह जाती है तो उसके बाद आएगी, तो अभी ये लंबा चलेगा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर जो डेट दी गई है उसके विदिन 15 डेज आप अपनी सीट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 80% रिफंड आ जाएगा।
और अगर 15 डेज ऊपर हो गए और 30 डेज से कम है, 15 दिन से ऊपर हो गए और 30 दिन से कम है, तो आपकी 50% फीस रिफंड होगी। और अगर 30 दिन से ऊपर हो जाएंगे, 30 दिन से ऊपर हो जाएंगे मतलब जो कट ऑफ डेट आएगी उसमें से उससे एक महीना आगे हो जाता है, आप विड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि आपका एडमिशन अभी कहीं श्योर नहीं हुआ, तो आपकी रिफंड जो है 0% देगा। तो ये सारा कुछ नोटिस के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको नोटिस की वेट करनी पड़ेगी। पिछले साल थर्ड काउंसलिंग के बाद ये डेट आई थी, तो आपको मैंने बड़ा सिंपल सा बता दिया कि जो डेट होगी वहाँ पर आपको विड्रॉ की ऑप्शन आ जाएगी, फीस रिफंड का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने पहले सीट विड्रॉ करनी है और उसके बाद आपको फीस रिफंड हो जाएगी विद इन 15 डेज 15 दिन 80%, 15 to 30 days 50%, आफ्टर 30 days देर इज नो रिफंड ऑफ फीस। तो जैसे कि आप ये फर्स्ट सेम का फीस पे करोगे, इसमें और भी हो सकता है कुछ चार्जेस, ये ट्यूशन फीस है। तो ये ज्वाइंट प्रॉस्पेक्टस से मैंने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करी। तो आज मैंने स्टडी इसी के बारे में करी, शाम को और कुछ बात अगर आती है जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, क्या प्रोसीजर है रिफंड ऑफिस जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है हमारी DHE के लिए। तो कैसी लगी वीडियो आपने शेयर करनी है, बतानी है कमेंट सेक्शन में जाकर, और लाइक करना है, लाइक का बटन जरूर दबाना है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिली मेम्बर्स में, जिससे कि चैनल की जो जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हर बच्चे तक पहुँच सके। क्योंकि आप शेयर करोगे तभी और बच्चों को पता लगता चला जाए। क्योंकि कल 2-3 बच्चों के फ़ोन्स आए हिमाचल से, उनको DHE के एडमिशन्स के बारे, नोटिफिकेशंस के बारे में नहीं पता था। PU सेट का पेपर अभी लेट है UG का, उन्होंने और कोई फॉर्म ही नहीं भरे। फिर पूछ रहे थे कि सर अब इसमें क्या करें। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी तो कट ऑफ डेट निकल गई है, अब तो एडमिशन प्रोसेस चल रही है। तो इसीलिए मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि आप जब एक दो को शेयर करोगे तो अपने अभी वीडियो उस रेंज में चला जाएगा, तो सर्च लिस्ट में चली जाएगी। तो बच्चों को कहीं ना कहीं इस तरीके जो सर्च कर रहे चंडीगढ़ में पढ़ना, उनको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। धन्यवाद।